कोई डाउट है? एक मिनट के लिए, अब तो कोई डाउट नहीं है, अब नहीं, अब उस कोडिंग वाले ट्रैक पर चलो। अब हमको पहले इस विदित और हाइट वाले पार्ट को कट करो ताकि हम पेस्ट कर दें, सिर्फ जेपीजी रहने दो। हमको एक चीज बताना है तुमको, कॉपी कर, कट कट एक्स एक्स दे कैट से, रुको रुको रुको, सेव करो, रन करो। क्या फर्क पड़ा? पूरे स्क्रीन पे आ गया। नहीं, पूरे स्क्रीन पर नहीं आया। अगर पूरे स्क्रीन पर, हाँ हैव ए पेशेंस, अगर पूरे स्क्रीन पर आता तो टेक्स्ट नहीं दिखाई देता, टेक्स्ट के बाद वो आया है। और नीचे स्क्रॉल करो, तुम्हारा धोनी और विराट नीचे लिखा होगा, है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बैकग्राउंड इमेज एंड एस सी आर, नहीं एस आर सी, व्हाट इज द डिफरेंस? बैकग्राउंड कंप्लीटेड द होल पेज, टेक्स्ट उसके ऊपर आएगा। इमेज एसआरसी करने का मतलब है कि वह मेरे वेब पेज का एक पार्ट बने, तो वह पार्ट मैं फुल पेज में दे रहा हूं या उसके हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर रहा हूं। अब समझ में आया? अब आप बताइए, बैकग्राउंड के साथ उसको दे रहे थे तो क्या चलता? मतलब क्वाला का बैकग्राउंड ही और क्वाला का इमेज भी, तो कंफ्यूजन पैदा करता कि नहीं? क्या आउटपुट आता? अब समझ में आया? अब हाइट और विड्थ वाला पार्ट फिर एडिट लगा पेस्ट करो, अब जाके एडिट, फिर वहीं जाके पेस्ट मारो। अब ठीक है? yes. सेव करो, रन करो। कोई डाउट? इसको और छोटा करने की कोशिश करो, देखो कि होता है कि नहीं। 30 और 50 देके देखो, स्टाम्प साइज लेता है, देखो 30 और 20 करके देखो। लिया? आप कई बार विकिपीडिया में जाएंगे, इतनी बड़का लोगो होगा। अगर एक ही पेज पर हमको 650 कंट्री का झंडा लगाना है, इतना बड़ा बड़ा हम देंगे तो मेरा पेज भर जाएगा। कोई डाउट है? अब इमेज स्क्रीन पूरा कंप्लीट हो गया, अब कंट्रोल कर सकते हो। अब विराट का या रोहित का या एमएस धोनी का फोटो लाओ और उसके साथ इसको यूज करो, और ये जो गलती है उसको फिर पकड़ो, वहां जाओ नोटपैड में। क्या मेरी गलती थी? एस आर सी हो क्या गया था? एस सी आर। अब देखिए एक चीज और, अगर सेम फोल्डर में जहां से प्रोग्राम रन कर रहा है, पाथ देने की जरूरत, पाथ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाथ तब देना चाहिए जब मेरे मेरा फाइल कहीं और है, मेरी फाइल और है और मेरा प्रोग्राम कहीं और है, तब हमको पाथ देना चाहिए। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से तरीका क्या है? जहां मेरा फोटो है हम वहीं अपने वेब पेज की फाइल को